दीवानगंज फैक्ट्री चौराहे पर सड़क पर बना तालाब नुमा गड्ढा, आए दिन गिरते हैं वाहन चालक, दुकानदार भी हैं परेशान। रायसेन जिले की सांची जनपद की ग्राम पंचायत दीवानगंज में मेन रोड पर तालाब नुमा बड़ा गड्ढा हो गया है। इस मार्ग पर लगभग 40 गांव के लोग यहां से निकलते हैं और आए दिन यहां पर बाइक चालक गिरकर घायल होते हैं। वहीं दुकानदारों को भी परेशानी हो रही है, दुकानों तक ग्राहक नहीं आ पाते। कई बार शिकायत करने के बाद भी जिम्मेदार द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बारिश के समय में इस गड्ढे में तालाब नुमा पानी भर गया है, जिससे यहां से निकलने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभिषेक विश्वकर्मा, क्या समस्या हो रही है इस गड्ढे? बहुत प्रॉब्लम है इससे, वाहन चालकों को भी और हम लोगों को भी, दुकानदारों को। ग्राहक आते हैं इसके वजह? ग्राहक नहीं आते। ऐसे लोग गिरते हैं क्या इस गड्ढे में? गिर जाते हैं ना, अभी गिर गई एक बाइक, नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही। अधिकारी आते हैं, फोटो खींच के चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो कम से कम 2-2.5 साल हो गई, हर बारिश में यही प्रॉब्लम रहती है। हाँ, ये तो अपनी दुकान से टच हो जाता है पानी। हाँ, दुकान परेशान। क्या नाम है? तरुण साहू। कितनी समस्या होती है इससे? काफ़ी परेशानी हो रही है लोगों को, क्योंकि यहाँ सभी आजू बाजू गाँव के लोग आते हैं, समथिंग 40 गांव लगे हुए हैं, तो वो सभी यहीं से निकलना होता है। बाकी बहुत प्रॉब्लम आती है निकलने में भी, कई बार बाइक भी गिर जाती हैं, लेडीज़ वगैरह को भी दिक्कत आती है, और कई लोग तो निकालने में भी कन्फ्यूजन करते ही पता नहीं कितना गहरा है क्या है, तो इसका कुछ समाधान हो नहीं पा रहा है। दुकानदारों को तो काफ़ी असर पड़ा, कस्टमर आ ही नहीं पाता है, पानी भरा रहता है।